भागवत नवनीत परम पूज्य संत श्री रामचंद्र केशव डोंगरी जी महाराज की कृति, उसमें अब तृतीय स्कंद विदुर जी का गृह त्याग प्रकरण। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। ओं नमो भगवते वासुदेवाय। एवमेतत्पुरा पृष्टो मैत्रेयो भगवान् किल क्षत्रावनं प्रविष्टेन त्यक्त्वा स्वगृहमृद्धिमत्। श्रीमद्भागवत 3:1:1 तृतीय स्कंद में प्रथम अध्याय में प्रथम पहला श्लोक। राजा परीक्षित ने सुंदर प्रश्न किया है। विदुर जी तो महान वैष्णव हैं, जिसको अंदर से भक्ति का रंग लगा है वह जहाँ बैठ करके ध्यान करता है, जप करता है, वह भूमि तीर्थ हो जाती है। सबसे बड़ा तीर्थ कौन है? अपने मन को सर्वकाल शुद्ध रखना ही महान तीर्थ है। मन में खराब विचार आए नहीं, मन को सर्वकाल जो पवित्र रखता है वही महान तीर्थ है। तुलसी जब मन शुद्ध भयो तब तीर्थ तीर गयो न गयो। विदुर जी तो महान वैष्णव हैं, उनका मन शुद्ध है, अंदर से भक्ति का रंग लगा है। ऐसे भगवान के भक्त जहाँ बैठ करके ध्यान करते हैं, प्रेम से पूजा करते हैं, भगवान के स्मरण में तन्मय होते हैं, वह भूमि तीर्थ हो जाती है। जिसको भगवान का आनंद मिला है उसको तीर्थ यात्रा करने की बहुत इच्छा नहीं होती। बहुत घूमने से मन चंचल होता है, बहुत घूमना अच्छा नहीं है। एक ही जगह में बैठ करके शांति से ध्यान करो, प्रेम से प्रभु को मनाओ, प्रेम से भगवान के पूजन स्मरण में तन्मय हो जाओ, आपका घर तीर्थ बन जाएगा। विदुर जी घर छोड़कर यात्रा करने के लिए क्यों गए? विदुर जी को यात्रा करने से क्या लाभ है? वे तो महान वैष्णव हैं। मैत्रेय ऋषि ने विदुर को जो उपदेश दिया वह कथा सुनने की इच्छा है। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं। राजन, विदुर जी को घर छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी, घर में एक ऐसा प्रसंग हो गया कि विदुर जी को घर छोड़ना पड़ा। धृतराष्ट्र ने पांडवों के साथ बहुत अन्याय किया था। पांडवों को लाक्षागृह में जलाने का प्रयत्न किया, विदुर जी को अच्छा नहीं लगा। विदुर जी ने धृतराष्ट्र से कहा है, तू चोर है, चोरी करता है, ताला तोड़ करके जो ले जाता है वही चोर है। अरे, ताला तोड़ करके जो ले जाता है वह चोर का सरदार है। चोरी अनेक रीति से मानो करता है। शास्त्रों में तो ऐसा लिखा है कि बहुत कम परिश्रम करके जो ज़्यादा पैसा कमाता है एक प्रकार से वह चोर ही है। परिश्रम के अनुसार पैसा कमाए यह उचित है। मेहनत बहुत कम करता है और पैसा ज़्यादा कमाता है, यह चोरी जैसा ही पाप है। शास्त्रों में लिखा है, वृद्ध माता पिता की जो सेवा नहीं करता वह चोर है। भगवान को भोग लगाए बिना जो खाता है वह चोर है। अग्नि में होम करता नहीं है और अन्न खाता है वह चोर है। अग्नि के आधार से रसोई होती है, अग्नि के आधार से खाया हुआ पचता है। विचार करना, मेरा नंबर कहीं चोर में आता है, मैं कैसा हूँ? मानव अनेक रीति से चोरी करता है। धृतराष्ट्र को विदुर जी ने कहा है, तू चोर है, तेरी दानत बिगड़ गई है। राष्ट्र शब्द का अर्थ होता है संपत्ति, दूसरे का धन जो बचाता है हड़प करता है,
वह चोर है। बिना मेहनत बिना परिश्रम जो दूसरे का धन लेता है वह चोरी करता है। आधा राज्य पांडवों का है। संत सभी में सद्भाव रखते हैं, संत सभी में सद्भाव रखते हैं, किंतु धृतराष्ट्र ऐसा दुष्ट है कि धृतराष्ट्र के लिए संतों में भी सद्भाव रहा नहीं। गीता जी के आरंभ में धृतराष्ट्र उवाच ऐसा पाठ आता है, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता जुजुत्सव मामका पांडवाश्चैव किमकुरुवत संजय। गीता जी का आरंभ धृतराष्ट्र करता है। भगवान श्री शंकराचार्य स्वामी को अच्छा नहीं लगा एक दुष्ट पापी जीव गीता शास्त्र का आरंभ करे। श्री शंकर स्वामी ने गीता जी का आरंभ दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से माना है। भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं वहाँ से गीता शास्त्र का आरंभ माना है। पहला अध्याय और दूसरे अध्याय के 10 श्लोक छोड़ दिए हैं जो धृतराष्ट्र बोलता है। उसकी व्याख्या में क्या करूँ, धृतराष्ट्र दुष्ट है पापी है। अशोच्यानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतासुंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इस श्लोक से श्री शंकर स्वामी ने गीता भाष्य का आरंभ किया है। पहला अध्याय छोड़ दिया है जो धृतराष्ट्र बोलता है, जिसका आरंभ धृतराष्ट्र करता है, उसकी व्याख्या मैं क्या करूँ वह उपोद्घात है, ऐसा कह करके पहले अध्याय को छोड़ दिया है। धृतराष्ट्र दुष्ट है, चोर है, अति पापी है। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा है आधा राज्य पांडवों को दे देना चाहिए, तू आधा राज्य पांडवों को नहीं देगा तब मैं घर में नहीं रहूंगा। धृतराष्ट्र ने कहा तुझे जहां जाना हो वहां जा। विदुर दंपति की दिनचर्या। विदुर जी ने घर छोड़ दिया, धृतराष्ट्र के भाई हैं, हस्तिनापुर में गंगा किनारे छोटी सी एक झोपड़ी में विदुर जी पत्नी के साथ भक्ति करते हैं। पति पत्नी ने ऐसा कार्यक्रम बना लिया कि मन संसार के किसी विषय में जाए ही नहीं। मन आपका नौकर है, यह नौकर बड़ा तूफानी है, इसको किसी अच्छे काम में लगा दो नहीं तो वह गड्ढे में फेंक देगा। तन और मन को किसी भी सत्कर्म में लगा दो नहीं तो मन पाप करेगा। मन खाली होता है तब खराब विचार करता है। पति पत्नी ने कार्यक्रम ऐसा बना लिया कि एक क्षण भी मन को संसार में नहीं जाने देना है। आपका मन पाप करता है वह आपकी प्रेरणा से करता है, आपकी प्रेरणा के बिना मन पाप नहीं कर सकता है। मन स्वतंत्र नहीं है, मन नौकर है। मानव बोलता है मेरा मन बिगड़ा है, मन आपका है, आप अपने मन को किसी अच्छे काम में लगा दो नहीं तो वह पाप करेगा। पति पत्नी ने ऐसा नियम लिया है कि प्रातःकाल में 3 घंटे तक नारायण का ध्यान करना है। मेरे भगवान का श्री अंग कैसा है, भगवान के नख कैसे हैं, भगवान के बाल कैसे हैं, भगवान की अंगुली कैसी हैं, भगवान के एक एक अंग में आंख और मन को स्थिर करना ही ध्यान है। संसार का ध्यान करने से मन बिगड़ा है। बहुत दान देने से बिगड़ा हुआ मन शुद्ध नहीं होता। श्रीमान लोग बहुत दान देते हैं ठीक है, पर इससे मन शुद्ध नहीं होता है, मन बिगड़ा है संसार का ध्यान करने से। वह मन जब परमात्मा का ध्यान करता है तब सुधरता है। विदुर जी पत्नी सहित 3 घंटे तक नारायण का ध्यान करते हैं, फिर 3 घंटे तक बाल कृष्ण लाल की पूजा करते हैं, जंगल से फूल तुलसी ले आते हैं, भगवान का फूल से श्रृंगार करते हैं, विष्णु सहस्रनाम का पाठ करते हुए श्री कृष्ण चरण में तुलसी जी अर्पण करते हैं, मन से सुंदर सामग्री बना करके भगवान को भोग लगाते हैं, आंख बंद करके दर्शन करते हैं, मेरे बाल कृष्ण लाल धीरे धीरे भोजन कर रहे हैं, 3 घंटे तक पूजा करते हैं। पूजा करने के बाद 3 घंटे तक विदुर जी भगवान को प्रसन्न करने के लिए हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे कीर्तन करते हैं। कीर्तन होने के बाद भगवान के सम्मुख विदुर जी कथा करते हैं, भगवान की कथा भगवान को सुनाते हैं। मेरे भगवान श्रोता है और मैं वक्ता हूँ। भगवान के सम्मुख
कथा करते हैं, कथा कीर्तन पूजा जप ध्यान दिन भर सत्कर्म करते हैं, मन को पाप करने का समय ही नहीं मिलता है। मानव जब मन को पाप करने का अवसर देता है तभी पाप होता है। एक मिनट भी मन को पाप करने का अवसर देना ही नहीं है। एक बार मन को पाप करने की आप छूट देंगे, मन फिर मांगेगा, फिर तो मन को पाप करने में मजा आएगा, मन में पाप कर पाप पाप घर करेगा, फिर पाप नहीं छूटेगा। अपने मन को आपको ही संभालना है। पति पत्नी ने कार्यक्रम ऐसा बना लिया कि एक मिनट भी मन को संसार में नहीं जाने देना है। पांडव वन में भक्ति करते हैं, विदुर जी हस्तिनापुर में गंगा के किनारे झोंपड़ी में रहकर भक्ति करते हैं। धृतराष्ट्र ने जब सुना है कि मेरा भाई विदुर गंगा किनारे रह रहा है, घर से एक पैसा भी उसने लिया नहीं है, नहीं अगर वह भीख मांगने को जाए तो जगत में मेरी अपकीर्ति होगी, मेरा भाई है। गाड़ी में सब कुछ भरा और धृतराष्ट्र ने सेवकों के आज्ञा दी, विदुर को अन्न दे आओ, अन्न दे आओ, वस्तु दो, कपड़ा दो, उसको अड़चन पड़े नहीं, वह मेरा भाई है। धृतराष्ट्र के सेवक सब गाड़ी में भर कर ले आए हैं। विदुर जी से कहा, आपके भाई ने यह सब दिया है। विदुर जी को पापी धृतराष्ट्र का अन्न लेने की इच्छा नहीं है, पत्नी की परीक्षा की है। पत्नी से कहते हैं, मेरे भाई ने भेजा है, घर में रखो। पत्नी ने कहा, ये अन्न पेट में जाएगा तो मन बिगड़ जाएगा, भक्ति नहीं होगी। हम घर छोड़ करके गंगा किनारे भक्ति करने के लिए आए हैं, आज तक बहुत खाया है, खाने से कहाँ शांति मिली है। गंगा किनारे हम खाने के लिए नहीं आए, भक्ति करने के लिए आए हैं। कितने लोग घर छोड़ करके गंगा किनारे भक्ति करने के लिए तो जाते हैं, वहाँ जाने पर उन्हें घर बहुत याद आता है, घर को पत्र लिखते हैं, एक आचार की बरनी भेज देना। अरे तुम्हें आचार खाना था तो घर छोड़ करके यहाँ आया काहे को, जिसको सादा भोजन भाता है वही भक्ति कर सकता है। विदुर जी को पत्नी ने कहा, ये अन्न पेट में जाएगा तो मन बिगड़ेगा। विदुर जी पत्नी को समझाते हैं कि भोजन करना भी भक्ति है, भोजन न करने से शरीर दुर्बल हो जाएगा, भक्ति नहीं होगी। भगवान को भोग लगाएंगे, भोजन करेंगे, क्या हर्ज है। विदुर पत्नी ने कहा, यह अन्न पेट में जाएगा तो मन बहुत बिगड़ेगा, अन्न दोष भक्ति में विघ्न करता है, अन्न दोष मन को बहुत बिगाड़ता है। विदुर जी ने कहा, मेरी वृद्धावस्था है, अब मैं पैसे के लिए प्रवृत्ति नहीं कर सकता, भूख लगेगी तो तू क्या खाएगी। विदुर पत्नी ने कहा, दिन भर भक्ति करूंगी, जब अतिशय भूख लगेगी तो दो चार टिकट बनाऊंगी, आप दो टिकट खाना, मैं दो टिकट खाऊंगी, आज तक तो बहुत खाया है, अतिशय भूख लगती है, तब जो कुछ मिलता है वह अमृत से भी मधुर लगता है, दिन भर भक्ति करेंगे, दो टिकट आप खाओ, दो टिकट मैं खाऊं। गंगा किनारे तिन जा की भाजी होती है, वह ले आएंगे, भगवान को भोग लगाएंगे, जिसको सादा भोजन भाता है उसी को भक्ति का आनंद मिलता है, जिसका भोजन नीरस है उसी को भक्ति का रस मिलता है, जिसका भोजन बहुत सरस है उसका भजन नीरस हो जाता है। आज तक बहुत खाया है, खाने से शांति नहीं मिलती है, जीभ को मन को समझाने से शांति मिलती है। पति पत्नी ने ऐसा निश्चय किया है, धृतराष्ट्र का अन्न लेते नहीं है, पांडव वन में भक्ति करते हैं, विदुर जी हस्तिनापुर में गंगा किनारे झोपड़ी में रहकर सतत भक्ति कर रहे हैं। धृतराष्ट्र का कपटपूर्ण व्यवहार। बारह वर्ष का वनवास अज्ञातवास परिपूर्ण हुआ है, फिर भी दुर्योधन ने कहा, युद्ध किए बिना मैं कुछ भी देने को तैयार नहीं हूँ, धर्मराज धर्म की मूर्ति हैं,
युद्ध करने से देश दुखी होगा। द्वारकानाथ श्री कृष्ण को धर्मराज ने कहा है, आप एक बार दुर्योधन को समझाओ, दुर्योधन मान जाए तो अच्छा है। युद्ध करने से मेरा देश दुखी होगा, आधा राज्य नहीं एक दो गांव देगा तो भी मैं मान लूंगा। क्षत्रिय को भीख मांगने का अधिकार नहीं है, पोषण के लिए थोड़ा भी कुछ देना चाहिए। कौरव पांडवों का युद्ध धन के लिए नहीं हुआ है, धर्म के लिए हुआ है। धर्मराज धर्म की मूर्ति है। श्री कृष्ण भगवान संधि करने के लिए हस्तिनापुर में आने वाले हैं, धृतराष्ट्र ने सुना है। धृतराष्ट्र ने विचार किया कि द्वारकानाथ श्री कृष्ण आने वाले हैं, मैंने ऐसा सुना है कि श्री कृष्ण राजाधिराज हैं, द्वारका में 56 भोग का रोज भोजन करते हैं, मैं श्री कृष्ण का स्वागत अच्छी तरह से करूंगा, ऐसा स्वागत करूंगा कि वे प्रसन्न हो जाएंगे। प्रसन्न होने पर उनको मैं समझाऊंगा, दो भाइयों का झगड़ा है, आपको इस झगड़े में पढ़ने की क्या जरूरत है। श्री कृष्ण को समझा करके अपने पक्ष में मैं खींच लूंगा। धृतराष्ट्र ने हुक्म किया है, 56 भोग की सामग्री बनती है, स्वागत की बहुत तैयारी हुई है, अनेक देशों से साधु संत महात्मा हस्तिनापुर में आए हैं, बड़े बड़े राजा लोग आए हैं श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए। अब अगले देखेंगे श्री कृष्ण के प्रति विदुर दंपति का प्रेम भाव, वो अगले देखेंगे। हरे राम हरे कृष्ण सद्गुरु चरणार्पितमस्तु। सर्वे जना सुखिनो भवन्तु, लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु, सज्जनाः सन्तु निर्भयाः। ओं तत्सत् श्रीकृष्णार्पणमस्तु। संत परम पूज्य श्री रामचंद्र केशव डोंगरे जी महाराज की चरणारविंदार्पितमस्तु। ओं तत्सत्।